Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, Fashion Design with Pradyut. If you are new to my channel, then subscribe to my channel and press the bell icon. ताकि जब भी ऐसे fashion related कोई video upload हो तुरंत notification आपके पास पहुंचे. Today's video, आज के video में आप लोगों से share करने वाला हूँ Faber-Castell के जो pencil color है, मैंने अभी अभी market से खरीद कर लाया हो. मैंने अभी तक try नहीं किया pencil को, तो pencil कैसा है as a fashion illustration बनाने के लिए, Faber-Castell का ये pencil कैसा है, वो आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ. मैंने इससे पहले कभी Faber-Castell का जो pencil से वो मैंने try नहीं किया. लगभग 48 shades है मेरे पास है. ये है Faber-Castell का पेंसिल, 48 शेड्स है. और इसका प्राइस है, अगर आप मार्केट से इसको खरीदोगे स्टेशनरी कोई शॉप से, तो इसका प्राइस पड़ेगा 440 रुपीज़ में आप लोगों को मिल जाएगा. अगर आप ऑनलाइन से बाय करोगे तो 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा आप लोगों को देना पड़ेगा, मतलब 475 रुपीज़ लगेगा. तो अगर आपकी लोकल मार्केट में अगर स्टेशनरी शॉप पर अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ से खरीद सकते हो. और पेंसिल कैसा है, इसका यूज़ इलस्ट्रेशन में कैसे होता है, मैं छोटा सा आउटफिट डिज़ाइनिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा जस्ट ए ट्राई के लिए, इस पेंसिल कैसा है वो दिखाने के लिए. तो चलो देखते हैं वीडियो में कैसा है. और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हो, फिर से बता रहा हूँ, चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो. आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और मैं इस तरह के वीडियो और भी ज़्यादा बनाऊँगा. तो चलो वीडियो की तरफ. तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि Faber-Castell का पेंसिल जो कलर बॉक्स है वो फ्रंट से कैसा लगता है. फ्रंट से ये है Faber-Castell का कलर पेंसिल और ये दूसरे साइड है. ये देखो यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है 408 रुपीज़, बट मेरे से लिया है 440 रुपीज़. बहुत अच्छा है. तो ये Faber-Castell का पूरा बॉक्स, यहाँ पर 48 शेड्स है आप देख सकते हो. और यहाँ पर 5 नियॉन कलर भी इंक्लूडेड है प्लस गोल्ड एंड सिल्वर कलर. तो बहुत अच्छा है. यहाँ पर 48 कलर है. तो मैं खोल कर थोड़ा सा दिखा देता हूँ ऊपर से. ये देखो बहुत अच्छा है, बहुत सारे शेड थे. मैं तो अभी से मतलब कब मैं इसको ट्राई करूँगा. चलो अब ट्राई करते हैं इसको. सो ये है मेरा पूरा इलस्ट्रेशन, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है. अब मैं इसको Faber-Castell जो कलर पेंसिल है उसके थ्रू मैं ड्रॉ करूँगा. तो बहुत ही हल्का सा मैंने सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इरेजर से थोड़ा सा इसको साफ़ कर लिया. इसीलिए मैं सिर्फ ड्रेस को ड्रॉ करूँगा और इलस्ट्रेशन के जो बॉडी है उसको ड्रॉ नहीं करूँगा, बिकॉज वो देखने के लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा, जहाँ पर मैं फुल ड्रॉ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. बट अभी के लिए मैं सिर्फ ड्रेस को ड्रॉ करूँगा कि Faber-Castell पेंसिल से इलस्ट्रेशन के ड्रेस कैसा दिखता है. तो सबसे पहले मेरा आज का जो मोटिव है ड्रेस के ऊपर वो है जो ब्लू, जो नेवी ब्लू है, जो सी टाइप्स जो कलर है, वो कलर से मैं एक जीन्स टाइप और डेनिम टाइप एक ड्रेस बनाऊंगा. तो उसके ऊपर ही आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ. तो देखो काफ़ी सारे पेंसिल सेट्स जो ब्लू के सिमिलर है, मैंने उसे ऑलरेडी अलग करके रखा है जिसमें ब्लैक भी है. और ये सारे जो कलर है इस कलर से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा. सबसे पहले तो मैं स्काई ब्लू जो कलर है उससे मैं टॉप को डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ जो ऊपर के. तो चलो देखते हैं वीडियो में और क्या क्या बनता है और लास्ट तक ये पेंसिल कलर कैसा होता है. बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर बिगिनर्स के लिए जो Faber-Castell जो पेंसिल है वो एकदम बेस्ट पेंसिल है, बिकॉज इस पेंसिल का जो मटेरियल है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों को एक फिनिशिंग लुक देता है. मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ कि इस पेंसिल का लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है कंपेयर टू दूसरे जो पेंसिल कलर है. ऑब्वियसली फैशन इलस्ट्रेशन बनाने के लिए पेंसिल कलर बनाने के लिए स्टेडलर पेंसिल बहुत अच्छा होता है, बट उसका प्राइस सभी अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज वो थाउजेंड्स को क्रॉस कर जाता है. इसीलिए ये पेंसिल एक एज ए बिगिनर्स के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है.
2000 years later. सो ये फाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है, ग्लासी आया है, बहुत ही सॉफ्ट। मैं पहले से ही बता रहा हूँ इस पेंसिल का जो कलर करने का जो टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो फेबर कैस्टल बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा पेंसिल है। मैं इतने वक्त मैं डोम्स का यूज़ करता था, बट आज से मैं फेबर कैस्टल भी ट्राई करूँगा डोम्स के साथ साथ, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अप एंड कीप स्माइलिंग।